मास्क मुफ्ती तारिक मसूद। बगैर इरादे के 15 दिन ठहर गए तो नमाज का हुक्म। मुसाफिर ने किसी जगह 15 दिन से कम ठहरने की नीयत की हो और वो रास्ते में कसर ही पड़ता रहा हो, फिर वो किसी उजर की वजह से 15 दिन से ज्यादा ठहर गया, तो क्या वो कसर ही पड़ेगा या पूरी पड़ेगा? परवीन साहिबा इंडिया से। वो कसर ही पड़ेगा। एक आदमी अगर कन्फ्यूजन में 10 साल भी गुजार देता है ना, सफ़र में निकला और किसी शहर में ठहर गया और उसकी नीयत 15 दिन की नहीं है, उसकी नीयत में पता नहीं मुझे क्या पता कितने दिन ठहरूंगा, और इस कश्मकश में 10 साल भी गुजार देगा तो सफ़र वाली नमाज ही पड़ेगा। 10 साल के बाद उसे ख्याल आया कि आज के बाद मैं 15 दिन यहाँ ठहरूंगा, आज के बाद, तो फिर वो उस दिन से मुकीम बन जाएगा। और अगर 10 साल में उसको ख्याल आया कि नहीं अभी भी 15 दिन नहीं हो सकता, 13 दिन या 14 दिन में वापस चला जाऊंगा, तो भी वो मुसाफिर ही रहेगा। तो जिस दिन उसने नीयत की कि मैं आज के बाद 15 दिन ठहरूंगा, तो फिर तो वो मुसाफिर बने, सॉरी मुकीम बनेगा, वरना वो मुसाफिर ही रहेगा। हत्ता के अगर आप किसी शहर में आपका जाना हो, सफ़र में हो आप, और वहाँ आप कन्फ्यूज थे, आपको 6 महीने गुजर गए इसी कन्फ्यूजन में कि यार पता नहीं मैं आज के बाद 15 दिन रहूँगा नहीं रहूँगा, आपने जोहर की दो रकत की नीयत बांधी, पहली या दूसरी रकत में आपको ख्याल आया कि आपकी नीयत हो गई, नहीं भाई मैं तो 15 दिन ठहरूंगा, तो वो 2 की फिर आपको नमाज के अंदर ही 4 करनी पड़ जाएंगी, यानी 2 इजाफी उसमें ऐड करने पड़ेंगे।